अरे मैडम आप आइए ना, बड़े दिनों बाद आई आप। हाँ वो एक्चुअली मेरे एग्जाम्स थे ना, और देखो आज मैं अपने फ्रेंड को लेकर आई हूँ अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं आपको बिल नहीं पे करने दूंगा। नाइस। लेकिन क्यों, बिल तो मैं पे करूंगी। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप, आप इस बिल्डिंग के ओनर की बेटी हैं। अरे आपसे बिल थोड़ी ले सकता हूँ मैं, कहाँ मैं छोटा सा किरायेदार। तो आप भी तो रेंट देते हैं ना टाइम पर, तो मैं बिल क्यों नहीं पे करूंगी। देखिए मैडम चाहे जो भी हो, लेकिन आज तो मैं आपसे बिल के पैसे नहीं लूंगी। अच्छा ठीक है, पहले आप ऑर्डर लीजिए फिर देखते हैं। जी आपका ऑल टाइम फेवरेट लगवा दूं, हाका नूडल्स। साउंड्स ग्रेट। हाँ ठीक है आइए बैठिए। रमन एक हाका नूडल्स बना दे स्पेशल। ए कहाँ घुसी चली आ रही है, चल निकल अभी सफाई करवाइए। अंकल मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। भंडारा चल रहा है क्या यहाँ, हैं जो मुंह उठाया और भीख मांगने चले आए, निकल यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अंकल मैं सुबह से यहाँ वहाँ भटक रही हूँ, लेकिन कोई भी मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहा। ए पिछू ये तो बदबू आ रही है तुझमें से, तुझे देख के कस्टमर्स और चले जाएंगे यहाँ से। इतना पैसा लगाया इस रेस्टोरेंट में, तू जैसे लोगों को भीख देने के लिए लगाया क्या, हैं तू जा यहाँ से। मुंह उठा के चली आई, माँ बाप ने भी पैदा करके छोड़ दिया है रोड पर। अंकल मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छा झूठ बोल रही है, पड़े होंगे तेरे माँ बाप कहीं नाली में नशे करके बकवास कर रही है। नहीं नहीं अंकल मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपके पांव पड़ी। मैनेजर कैसे बात कर रहा है इससे? तू निकल रही है या गार्ड को बुलाऊं? दो डंडे लगाएगा ना सारे अकल ठिकाने आ जाएगी, चली जाए यहाँ से। एक सेकंड, ये कैसे बात कर रहे हो आप इतनी छोटी सी बच्ची से? मैडम आप इनकी टेंशन मत लीजिए, आप आराम से बैठिए, आपका ऑर्डर आता ही होगा। ये तो है ही ऐसे, जगह जगह गुस्से चले आते हैं, भीख मांग के खाने की आदत हो गई है इनको, इनके माँ बाप ने भी आवारा ही छोड़ रखा है। आप बैठिए ना, आपका ऑर्डर आता ही होगा। मैडम आप इतनी छोटी सी बच्ची से इतनी रूडली बात कर रहे हो, आप मेरा बिल वेव ऑफ करने के लिए तैयार हो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे ऐसे जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हो आप, आपके पास इंसानियत है भी या नहीं? चलिए जाइए, इसके लिए ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सारा खाना पैक कराइए, बिल मैं पे करूंगी, जाइए। जी मैडम आई एम सॉरी। और हाँ हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना सीखिए, चाहे वो रिच हो या पुअर, एक अच्छा टेनेंट बनने से पहले एक अच्छे इंसान बनिए आप, जाइए। जी मैडम। बेटा तुमने दो दिन से कुछ नहीं खाया क्या? जी दीदी, एक महीने पहले मेरे मम्मी पापा एक गाड़ी के नीचे आ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। तो क्या तुम अकेली रहती हो? जी दीदी, आगे वाले पुल के नीचे मुझे अकेले रहना पड़ता है, बहुत डर लगता है। मैं जब भी किसी के पास जाती हूँ तो सब मुझे मार के भगा देते हैं, ना ही कोई काम देता है ना ही खाना। बेटा तुम रो मत, तुम मेरे साथ चलो। हाँ क्यों दीदी? मतलब आज से तुम मेरे घर चलो, मेरी छोटी बहन बनकर रहना, तुम्हें ऐसे सड़कों पर रहने की और भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगी, अच्छी एजुकेशन करवाऊंगी और एक अच्छा इंसान बनाऊंगी, ठीक है? सच्ची दीदी? हाँ सच्ची। शुक्रिया दीदी, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे लिए भगवान की तरह हो।